अस्सलाम वालेकुम, बोले राजपूत में नसीम राजपूत। एक मरतबा फिर अपने तमाम व्यूअर्स से मुखातिब है, कई सारे बड़े इश्यूज चल रहे हैं। जिस तरह खिलाड़ी कम बैक करते हैं, इस तरह क्रिकेट खेल ने भी कम बैक किया है और अब मुख्तलिफ सीरीज, मुख्तलिफ लीग्स, वर्ल्ड T20, एशिया कप और बहुत सारी सीरीज पर भी बात हो रही है। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, बहुत ही जबरदस्त किस्म के साथी मेरे भाई, जिनके साथ बड़ा जबरदस्त किस्म का मेरा वक्त गुजरा है कई इंटरनेशनल टूर्स पर, इंडिया में, पाकिस्तान में, कोई और नहीं, वर्ल्ड फेमस स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर इंडिया से मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जनाब, बहुत ही मेरे प्यारे भाई विक्रांत गुप्ता जी। गुप्ता जी, गुड इवनिंग, क्या हाल है नसीम भाई? आप ठीक है? आप बिल्कुल ठीक हो? बिल्कुल कुछ जबरदस्त। विकी भाई आप बताइए, सब खैरियत है? जी फिलहाल वो कहते हैं ना कि सो फार सो गुड, क्योंकि कोरोना वायरस तो बढ़ रहा है। इंडिया में भी आपने देखा होगा केसेस बढ़ रहे हैं, मैं देख रहा हूँ पाकिस्तान में भी बढ़ रहे हैं। तो अब तो बस जिंदगी कोरोना वायरस के डर से शुरू होती है और दिन जो है उस डर से ही खत्म होता है। बस यही है कि किसी तरह जब तक अपने आप को बचा के रखें, वो बचाना, बस उसी में जिंदगी की जद्दोजहद चल रही है। विकी भाई मैं आपसे स्टार्ट लेता हूँ। वाकई में जो सूरत हाल है, मेरे बड़े करीबी लोगों को इसका सामना करना पड़ा है और अब ये घरों में जा चुका है, तो हम सबको एहतियाती तदाबीर तो इख्तियार करनी है। आप विकी भाई सबसे पहले बात करेंगे, महेंद्र सिंह धोनी का किरदार अदा किया था सुशांत सिंह राजपूत ने और अब वो दुनिया में नहीं रहे, सुसाइड किया उन्होंने, तो बहुत पाकिस्तान में उनका एक फैन क्लब बन गया था, खासतौर पर जब से उन्होंने सरफराज धोखा नहीं देता और कई सारे उन्होंने जो रोल प्ले किए थे उसके बाद से, तो कैसी इस वक्त वहां पर भी फीलिंग है? बहुत बड़ा रोल प्ले किया था उन्होंने महेंद्र सिंह धोनी का भी। नहीं, बहुत 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 ही अनफॉर्चुनेट, बहुत अनफॉर्चुनेट। और जब ये खबर आई, मतलब शॉकिंग था, क्योंकि एक तो वो यंग थे और दूसरा मतलब हमारे से, क्योंकि हम लोग, आप और हम क्रिकेट के शौकीन है, तो वो पिक्चर के कारण मतलब हमारे दिल में उनके लिए जगह ऐसी थी। लेकिन अचानक से इतना यंग आर्टिस्ट जो अभी आया और चला भी गया, मतलब और जिस तरह से सुसाइड की खबर आई, बड़ा चौंकाने वाला और दिल दहलाने वाला था। वो 2020 कैसा चल रहा है, मतलब हमें तो नहीं पता था इतना बुरा होगा और बुरा होता जा रहा है। लेकिन ये कहीं ना कहीं आपको हमारा जो बॉलीवुड है, क्योंकि बॉलीवुड को बड़ा इंटरेस्ट से पाकिस्तान में भी देखा जाता है, ये उसकी कहानी भी बयां करता है। क्योंकि हमें जो लग रहा होता है कि चेहरा मुस्कुरा रहा है, वो पर्दे के पीछे शायद मुस्कुरा नहीं रहा होता। मतलब हमें जो शोहरत दिखती है, शायद वो शोहरत नहीं है, वो अकेलापन है। तो वो तन्हाई कह लें, अकेलापन कह लें, इनसिक्योरिटी कह लें, वो सारी चीजें एक साथ मिल गई और 34 साल में आप अपने जिंदगी की पारी खुद से ही फेंक के चले जाएं। यार आसान तो नहीं हुआ होगा, लेकिन मुझे लगता है कि चूंकि धोनी की जो उन्होंने धोनी का जो रोल, जो किरदार निभाया था, वो अमेजिंग था। मतलब उस पिक्चर ने उनको घर घर तक पहुंचाया और कभी कभी तो वो पिक्चर देखकर ऐसा लगता था कि सुशांत सिंह राजपूत ही धोनी है। मतलब इतना बारीकी से उन्होंने उनके बॉडी लैंग्वेज देखे, उनके मैनरिजम्स देखे, जिस तरह वो हेलीकॉप्टर शॉट खेला, तो वाकई में मतलब आपने देखा होगा, मैंने देखा, इंडिया से, पाकिस्तान से जो क्रिकेटर्स हैं, जो क्रिकेटिंग कम्युनिटी है, उन्होंने भी मतलब जिस तरह से शोक व्यक्त किया, मतलब था तो बहुत दुखद, बहुत दुखद था। ऐसे जितने हंसने वाले वो कैरेक्टर थे, जब फिट थे, खूबसूरत इंसान थे, दिखने में भी बहुत ही प्यारे इंसान थे, और जिस तरह मैंने कई सारे उनके इंटरव्यूज देखे, जिस वक्त उनकी फिल्म आ रही थी दी अनटोल्ड स्टोरी, उसमें महेंद्र सिंह धोनी के साथ बैठे हुए थे, बड़ा मजाक करते हुए दिखाई दे रहे थे, हर चीज पे मुस्कुराते हुए दिखाई दे रहे थे। वाकई में शॉकिंग न्यूज है ये। तो क्या इसका कहीं ना कहीं किसी भी चीज का कोई कारण जरूर होता है? वैसे तो इस वक्त जो हम कोरोना वायरस के दौर में चल रहे हैं, हम खुद कहीं ना कहीं जो है वो कोई एक मरीज बन गए, जिस तरीके से घर में रहना पड़ रहा है, एहतियाती तदाबीर करनी पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं कोई एक अनटोल्ड स्टोरी इस हवाले से क्या कुछ दिखाई दे रही है? आप तो जहर बड़ी देखिए, अब अगेन ये कहानी उनकी निजी जिंदगी है। अब निजी जिंदगी में क्या चल रहा था वो नहीं पता, क्योंकि अब तक ये Page 3 पे थे और Page 3 में निजी जिंदगी जो है वो कहते हैं ना कि एक आर्टिस्ट की, एक एक्टर की, एक एक्ट्रेस की जितनी कलरफुल हो
उतना ही आप उसे बड़ा एक्टर मानते हैं, बड़ा एक्ट्रेस मानते हैं, है ना। कलरफुल का मतलब आप आई होप समझते हैं कि भाई इनके साथ थे, इनके साथ थे, फिर इनके साथ थे, इनके साथ थे, वो एक तरह से मेडल होते हैं आपके। लेकिन वही जब निजी जिंदगी में पेज थ्री से पेज वन पे आ गए तो वो सारी कहानी है, जैसे आपने कहा ना अनटोल्ड स्टोरी, वो पहेलियां बनती जा रही हैं, और वो पहेली ऐसी है कि समझ नहीं आ रहा। आई एम श्योर वक्त के साथ डिटेल्स आएंगी, किस हालात में, मतलब मैं, मुझे नहीं पता कॉन्स्पिरेसी थ्योरी इसमें कोई सही है कि नहीं है। कोई कहता है यार बॉलीवुड में वो परेशान चल रहे थे आखिरी 6-8 महीने में, वो परेशान थे फिल्मों को लेकर कि उनको 6-7 फिल्में साइन की गई, फिर वो 6-7 फिल्में एक एक कर उनसे ले ली गई, या वो लॉकडाउन के कारण हुआ, या फिल्में बन नहीं रही थी, या उनको रिप्लेस किया गया, वो कौन डायरेक्टर थे, कौन प्रोड्यूसर थे, किसी को नहीं पता। अब दिक्कत ये है नसीम भाई कि जब आप होते हैं ना तब ये बातें जब सामने आ जाए तो उसका हल निकल सकता है। देखिए मैं और आप क्योंकि क्रिकेट समझते हैं, क्रिकेट हम दोनों जो थोड़ा बहुत खेलते हैं, तो क्रिकेट में होता है ना कि जब आप बैटिंग करने जाते हैं, क्यों ये कहा जाता है कि यार पहला सेशन बड़ा इंपॉर्टेंट होगा, पहले 2 घंटे ना अगर बैट्समैन ठीक खेल जाएगा तो फिर आगे चलकर ठीक हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है वो पहले 2 घंटे गेंदबाज के होते हैं, नया गेंद होता है, बॉलर फ्रेश होता है, विकेट में मॉइस्चर होता है, बादल बने होते हैं, नया बॉल है, स्विंग होगा, बैट्समैन को नहीं पता होता। लेकिन अपनी विकेट जो बचा के लंच तक बैटिंग कर जाता है 2 घंटे, फिर उसके बाद 2 घंटे का जो अगला सेशन होता है लंच और टी, बॉल भी पुराना हो जाता है, आपकी आई इन हो जाती है, विकेट से मॉइस्चर गायब हो जाता है, जी धूप भी निकल आती है, और फिर आप फेंटी चढ़ाते हैं। जिंदगी भी कुछ इसी तरह से है ना, वक्त आता है जब मुश्किल दौर आता है तो बस उसमें विकेट जिसकी गिर गई वो चला गया, जिसने अपनी विकेट बचा के रख ली उस मुश्किल दौर को निकाल दिया, जिंदगी तो पलटेगी ना। 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 6 महीने बाद, एक, लेकिन आई एम श्योर एक यंग लड़के को देखें जो पटना जैसे शहर से आकर बॉलीवुड में अपना मुकाम हासिल कर गया, कुछ तो ऐसा होगा जो मैं और आप समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि आप अगर ज़हनी तौर पे मजबूत हैं तो ही आप उस जगह पहुंचते हैं। ज़हनी तौर पर मजबूत हैं तो आप क्रिकेट खेलते हैं, स्पोर्ट खेलते हैं, इतने बड़े अदाकार बनते हैं। ज़हनी तौर पर मजबूत आदमी ये कदम उठा जाए, कुछ इतना बड़ा ट्रिगर हुआ होगा उनकी निजी जिंदगी में, और निजी जिंदगी ही नहीं होगी नसीम भाई, निजी जिंदगी के अलावा मुझे लगता है कि ये प्रोफेशनल लाइफ में भी कुछ ना कुछ ऐसा होगा जहां हंसता मुस्कुराता चेहरा अचानक से 2 घंटे में ये डिसाइड कर लेता है कि बस मुझे और जीना ही नहीं है। जिस चीज के पीछे आप सारी उम्र भाग रहे हैं, अचानक से आप ये कह देते हैं कि मैं भागूंगा नहीं, अब मैं छोड़ रहा हूं सब कुछ। मतलब आई डोंट नो, अल्फाज हमारे जहन से निकल रहे हैं, हमारे मुंह से निकल रहे हैं, हाइंडसाइट है ना, पीछे मुड़ के हम कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं यार डिप्रेशन बहुत बड़ी बीमारी है, मेंटल कंडीशनिंग होनी चाहिए, लोगों को एक दूसरे का साथ देना चाहिए। जो चला गया वो चला गया, 24 घंटे बाद हर कोई अपनी अपनी रेस में, अपनी अपनी दौड़ में ही भागेगा। अपनी अपनी दौड़ में आप दूसरों की दौड़ में शिरकत नहीं करेंगे, आप अपने बारे में ही सोचेंगे, और फिर से हमारे में से कोई अकेला हो जाएगा, फिर कोई हादसा हो जाएगा, फिर कहा जाएगा यार इसको अकेला क्यों छोड़ दिया। तो पता नहीं जो भी हालात हैं, लेकिन है तो बहुत दुख की बात, बिल्कुल दुख की बात है। और ज़हनी तौर पे मजबूत होंगे तो यहाँ तक पहुंचे थे, ये आपकी बहुत जबरदस्त पॉइंट है। वो राजपूत है तो मुझे जरा थोड़ा सा एक और भी दिल में बात आ रही है कि एक राजपूत जो है वो मकसद बहुत ही तकलीफ भी हुई हमारी बरादरी का आदमी नीरा भाई, तो इस चीज का एहसास तो बहुत ज्यादा। राजपूत तो बड़े मजबूत इंसान माने जाते हैं जी, राजपूत तो गिने जाते हैं कि हमारे तो इंडिया में कहते हैं ना मैं राजपूत हूँ, मतलब मैं राजपूत हूँ, मतलब आप समझ रहे हैं ना, आप क्या समझ रहे हैं, आप तो हैं, आपने क्या समझना। इंडिया में मैं जब 2-3-4 टूर किए तो मेरे से यही सवाल हुआ करता था कि आप राजपूत इंडिया के, मैंने कहा भाई बिल्कुल इंडिया का हूँ, राजस्थान से मेरा ताल्लुक है, राजा खेड़े मेरे दादा का गाँव हुआ करता था, जयपुर से कोई 300 किलोमीटर दूर है, तो उनको मैं बताया भी करता था। लेकिन ये जो एक स्टोरी ये भी आई कि उनकी सेक्रेटरी ने भी 2 हफ्ते पहले सुसाइड कर ली थी, विकी भाई 4 दिन पहले उनकी सेक्रेटरी, पुरानी सेक्रेटरी थी, उन्होंने 4 दिन पहले सुसाइड किया। और अब तो ये बातें आ रही, उनके 2 खास दोस्त थे, आई थिंक मेल एंड फीमेल, उन्होंने पिछले महीने दोनों ने सुसाइड किया। तो ये समझ नहीं आया कि मतलब तकरीबन 30 दिन के दरमियान ये 4th सुसाइड है उसी ग्रुप में से,
मैं वही कह रहा हूँ ना कि अंदर क्या है, अंदर खाते हमें नहीं पता, लेकिन ये एक ऐसी कहानी है जो आई थिंक बद से बदतर होती जा रही है। हसास बहुत लगते थे, अगर एक उनके अंदाज से मैं देखूं, जिस तरीके से एक हसास टाइप की शख्सियत थे, जहां वो बहादुर थे, जहां वो यहां तक पहुंचने में कामयाब हुए, जैसे पटना से आए और आने के बाद उन्होंने इतनी जगह बना ली, लेकिन एट द सेम टाइम जब कभी आप उनका इंटरव्यू देखेंगे, एक हसास शख्सियत जरूर लगी। और जो हसास शख्सियत होती है, तो वो जैसे धोनी साथ बैठे हुए, तो धोनी बहुत बड़े हैं, ये एक एहसास अपने अंदर रख के जो है वो बैठे होते थे, ये एहसास उनकी शख्सियत से भी झलक रहा होता था। जो हसास ज्यादा होते हैं तो बहादुर भी वही होते हैं, लेकिन जो हसासियत होती है कभी कभी हावी हो जाती है बहादुरों पे। हो सकता है, हो सकता है। अब देखिए अगेन, लोग इसको बुरा ना माने, मैं इसीलिए मैं और आप एक्सपर्ट नहीं है और ये भी नहीं है, हमें सेंसिटिव होना चाहिए। मुझे नहीं पता कि जब उन्होंने सुसाइड करने का सोचा, क्या वो कायरता थी, मतलब क्या वो कमजोरी थी या वो बहादुरी थी। अब वो सोचने का नजरिया है ना कि वो सब कुछ छोड़ के भागना चाहते थे या फिर वो बहादुरी का काम किया उन्होंने। लेकिन देखिए नसीम भाई, क्या होता है, पीछे तो आप दिक्कतें छोड़ जाते हैं ना, परिवार के लिए तो आप सवाल छोड़ जाते हैं ना, परिवार को तो दुख होता है। अब अगर एक 34 साल के सक्सेसफुल इंसान ने, मैं ये नहीं कहूंगा कि बॉलीवुड में जो टॉप 3 में है या टॉप 5 में है वही सक्सेसफुल है, सक्सेसफुल तो वो भी है जो शायद 3 वक्त की अच्छी रोटी अपने और अपने परिवार को दे रहा है, तो भले वो क्रिकेटर हो, बॉलीवुड एक्टर हो, या सहाफी हो, या कोई दुकान में काम करने वाला हो, सक्सेसफुल तो उसको भी गिना जा सकता है ना, जो रात को खुश होकर सो रहा है। तो हमें जो खुशी दिखती थी, उनको क्या गम था हमें नहीं पता, लेकिन जिंदगी में आज से 10 साल पहले जो उन्होंने सोचा था, वो शायद उससे 10 गुना आगे मुकाम में चले गए। मतलब उनका मकाम ये है आज कि मतलब 10 साल पहले कुछ भी नहीं होना, इंजीनियरिंग छोड़ देना, और उसके बाद आज मतलब उनके जाने के बाद 24 घंटे से ज्यादा वक्त जो है हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बाकी जो लोग हैं, जो हमारे सब कॉन्टिनेंट के लोग हैं, भले वो अमेरिका रहते हैं, इंग्लैंड रहते हैं, वो अभी भी उनकी उनकी इस अनटाइमली डेथ का शोक मना रहे हैं। तो इसका मतलब तो सक्सेसफुल तो थे ना वो, लेकिन ऐसी कौन सी चीज उनके पास, उनको लगता था नहीं है, जिसके कारण उन्होंने इतना बड़ा स्टेप लिया। तो ये हमें जिंदगी भी दर्शाता है। मैं देखिए अगेन, हम फिलोसॉफिकल होके कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है, जिंदगी का आईना यही है नसीम भाई, कि हमारे पास होता सब कुछ है या नहीं होता है, वो अपने देखने का नजरिया है। खुशी क्या है, मतलब डिप्रेशन क्या है, ये कोई दिखने वाली बीमारी थोड़ी है, ये तो महसूस करने वाली बातें हैं ना। और जब आप इस तरह का माहौल बनता है, तो ऑब्वियसली हर कोई उस चीज को एनालाइज करने की सोचता है, बट होगा क्या, थोड़ी देर बाद सब भूल दिया जाएगा, हर कोई अपने अपनी जिंदगी के उस ट्रेडमिल पे भागना शुरू कर देगा। पता नहीं, आई डोंट नो, मतलब मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बॉलीवुड पे सवाल उठता है, जिस तरह से मिड लेवल पे अगर मैं उनको रखूं, ठीक है वो टॉप लेवल पे नहीं भी थे, तो क्या मिड लेवल में इनसिक्योरिटी ज्यादा होती है, क्या आपको डर ज्यादा होता है कि यार मेरे से ये छीन लिया गया, क्या आपको ये डर होता है कि यार कल मेरा क्या होगा। हम और आप शायद जो आम लोग हैं, हम और आप इन चीजों से खुश हो जाते हैं कि यार आज की रोजी रोटी अच्छी हो गई, चलो आपने बच्चों को तालीम दिला दी, आपने चलो यार अपना एक आधा शौक पूरा कर लिया, आपने घर में एक सोफा अच्छा लगा दिया आपने, शायद हम लोगों की खुशी ये है। लेकिन शायद बॉलीवुड की खुशी डिफरेंट है, शायद वो देवानंद साहब का एक गाना है, आप अगर देवानंद साहब के फैन हो, हम दोनों फिल्म में वो कहते हैं कि गम और खुशी का फर्क जो महसूस ना हो वहां, मैं खुद को उस मुकाम पर लाता चला गया। मतलब मैं अपने आप को उस स्टेट ऑफ माइंड में ले जाऊं जहां पर सक्सेस और फेलियर के मायने ही नहीं है। आज मुझे जीत मिल गई तो मैं उस जीत को कैसे पचा सकता हूं, आज मुझे हार मिल गई तो हार को कैसे पचा सकता हूं। जो इंसान अपने स्टेट ऑफ माइंड को वहां ले जाता है, और ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि जो स्पोर्ट्समैन होता है वो हार और जीत को ना बर्दाश्त कर लेता है। भाई आप आज वर्ल्ड कप जीत गए,
तो आप इतना मत चौड़ में आ जाइए, इतना मत फैल जाइए जीत की खुशी में कि जिस दिन आप हारेंगे उस दिन आप एकदम गिर जाएं। तो वो बैलेंस जो है, आप देखिए जो टॉप स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेटर्स हो या कोई भी स्पोर्ट्समैन हो जो सक्सेसफुल रहा है जिंदगी भर, उसने अपने आप को उस स्टेट ऑफ माइंड से अलग किया होगा कि हार और जीत का फर्क जो महसूस ना हो वहां, वो वहां अपने आप को ले जाता है। जीत में बहुत खुशी और हार में बहुत गम। तो वही चीज अब हम लोगों के लिए जिंदगियों में भी हो गई है कि क्या हम बैलेंस्ड हैं, क्या हम आज से खुश हैं, क्योंकि अगर हम आज से खुश नहीं है तो फिर दिक्कत है। देखो मैं, मेरा क्वेश्चन भी इसी हवाले से था कि आप, जैसे आपने बात की कि चार सुसाइड्स हो गए इन चंद दिनों के दौरान में, तो यहाँ पे एटलीस्ट लम्हा फिक्रिया होना चाहिए सभी लोगों के लिए, एक आम आदमी के लिए भी और खासकर बॉलीवुड से वाबस्ता जो लोग हैं। आपने बहुत अच्छी बात की कि एक क्रिकेटर होता है वो बचपन से ही जो है वो इन आउट एक आदि हो गया होता है, लेकिन उस खिलाड़ी के लिए थोड़ी दिक्कत ज्यादा बढ़ जाती है कि जो कॉन्स्टेंटली टीम में होता है और वो ये भी समझ रहा होता है कि मेरी परफॉर्मेंस इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन उसकी फिटनेस और उसका जो एक ग्राउंड में रहने का जज्बा होता है वो उसको कहीं ना कहीं दोबारा मोटिवेट कर देता है कि तुम वापस आ जाओ। ये यहाँ ऐसी क्या चीज थी कि जिस पर नजरसानी मेरे ख्याल में करनी चाहिए अब बॉलीवुड के तमाम, क्योंकि पाकिस्तान में हमारी फिल्म इंडस्ट्री इतनी स्ट्रांग नहीं है, क्रिकेट का एक क्रेज बहुत ज्यादा है, इंडिया बैलेंस है, क्रिकेट भी इतनी है जितनी बॉलीवुड इंडस्ट्री, शायद कहीं ना कहीं थोड़ी सी ऊपर ही हो जो उनका क्रेज अगर पाया जाता है। मैं इस लिहाज से मैंने बात की कि सभी, सारी दुनिया फॉलो करती है, सिर्फ पाकिस्तान नहीं सारी दुनिया फॉलो करती है, क्या कर रहे हैं तीनों खान, क्या कर रहे हैं रणबीर कपूर, क्या कर रहे हैं अमिताभ बच्चन। तो उस लिहाज से मैं बात कर रहा था कि कहीं ना नजरसानी करने की जरूरत है। नसीम भाई देखिए, अब जैसे हम बात कर रहे थे, अब आप वसीम अकरम साहब को उठाएं या इंजमाम उलक को उठाएं या यूनुस खान को, किसी को भी उठाएं, या सचिन तेंदुलकर को उठाएं। सचिन तेंदुलकर 200 टेस्ट मैच खेले, आई थिंक 400 से ज्यादा वनडे खेले हैं, तो कुल मिला के 600 मैच हो गए, और 600 मैचों में हो सकता है तकरीबन 700 के करीब करीब इनिंग्स भी खेले होंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में, और उनके 100 है, यानी कि 600 ऐसी इनिंग होगी जिसमें उन्होंने 100 नहीं बनाया होगा ना। हमें 100 माउंट एवरेस्ट है क्रिकेट का, लेकिन उन सचिन तेंदुलकर ने 24 सालों में 600 के करीब ऐसी इनिंग खेली होंगी ना जिसमें 100 नहीं बनाया। 100 को आप सक्सेस मानते हैं ना, या वसीम अकरम साहब की आपकी 5 विकेट हॉल्स उठाएंगे तो कितने सारे मैच तो उनकी जिंदगी में ऐसे होंगे ना 5 विकेट नहीं लिए होंगे उन्होंने, बिल्कुल। तो क्या आप उसको फेलियर कहेंगे? क्या हम उसको फेलियर कहेंगे? हम उसको फेलियर तो नहीं कह सकते ना, नहीं कह सकते, बिल्कुल नहीं। आहिस्ता आहिस्ता ही बनता है ना सब कुछ, आहिस्ता आहिस्ता बनता है, लेकिन पता नहीं मुझे आज तक नहीं समझ आया कि इंसान को इनसिक्योरिटी जो होती है उसका इलाज क्या है। अब जिसको होती है वही समझता है कि इनसिक्योरिटी क्या है। कहना बड़ा आसान है, हमारे आपके अदारे में भी तो है ना कि मैं ये शो करूं साथ वाला क्यों करे यार, उसको ज्यादा मिल गया मेरे से एक शो, यार मेरे लिए ये हो गया, तो वो भी इनसिक्योरिटी है। कल को हम भी कहेंगे हम डिप्रेशन में चले गए। लेकिन अब अगेन, जब खाने को इतना हो और खाने वाले इतने हो, तो फिर वहीं पर तो आपका इम्तिहान है, वहीं पर आपका इम्तिहान है। इसीलिए मैं कहता हूं देखिए कि सक्सेस और फेलियर इन दोनों को पचाना बहुत जरूरी है हर चीज में, ना सिर्फ खेल में, बॉलीवुड में, या आम जिंदगी में भी, आम जिंदगी में। अब आप बताइए ना, आपका इंटरनेट एक दिन से नहीं चल रहा, 24 घंटे से आप फेल हो रहे हैं, लेकिन आपने क्या छोड़ दिया? आप एक YouTube चैट, छोटी सी चैट के लिए, और हम लोग ये समझते हैं ना फॉर ग्रांटेड, फोन ऑन किया और चल जाएगा, लेकिन आप 24 घंटे से ज्यादा वक्त स्ट्रगल कर रहे हो एक छोटी सी चीज के लिए, आपका दिमाग भी खराब हुआ होगा, यार ये क्या हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है, यार ये क्या हो रहा है, बिल्कुल। लेकिन लेकिन क्या आप टूट के गिर जाओगे, आप अपना YouTube चैनल बंद कर दोगे? नहीं, आप कोशिश करते रहे, आप कोशिश करते रहे, कोशिश कामयाब हो गई। तो आज आपका टेक अवे क्या होगा कि आपका YouTube चैनल पे चैट हुआ, या आपका टेक अवे ये होगा कि यार 24 घंटे इंटरनेट नहीं चला? अगर ग्लास आपको आधा खाली भरा खाली दिखेगा या भरा दिखेगा? मैं तो भरा देखना चाहता हूँ आदमी, किसी काम की बात है, बिल्कुल सही बात है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने कही कि आपने अपनी कोशिश जारी रखनी है, दैट्स इंपॉर्टेंट। अच्छे बुरे दिन आते हैं और
फेड अप नहीं होना, बाकी लोगों के सबके कमेंट्स देखे इस सेशन को, तो मैं यही जरा वाइंड अप करूंगा। महिंद्रा सिंह धोनी साहब, जिनका बहुत एक खास नाता और रिश्ता बन गया था, मिस्टर कूल, वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर प्रोड्यूस्ड बाय वर्ल्ड क्रिकेट, जबरदस्त किस्म के जो है वो प्लेयर रहे, तो उनकी अपनी फीलिंग कुछ आया उनका स्टेटमेंट सामने, कुछ बात की उन्होंने? नहीं, कुछ स्टेटमेंट नहीं आया जी, कोई स्टेटमेंट नहीं आया उनका, ना उनका कोई ट्वीट आया, ना उनका इंस्टाग्राम आया, ना ही उनका कोई स्टेटमेंट आया। लेकिन धोनी ऐसे हैं, अब इसको आप अच्छा कहें बुरा कहें, वो अलग हैं। बेनिफिट ऑफ डाउट आप ये देंगे कि जी उन्होंने तो हाल फिलहाल में कोई ट्वीट भी नहीं किया, आप उनको बेनिफिट ऑफ डाउट देंगे, यार वो इतना इंस्टाग्राम भी नहीं करते हैं, जब कोरोना वायरस के इतने केसेस हो रहे थे उनका तब भी ट्वीट नहीं आया, उनका तब भी इंस्टाग्राम नहीं आया, तो हो सकता है कि निजी तौर पे वो उनको जानते थे, तो निजी तौर पे उनके परिवार से उन्होंने बात की हो, निजी तौर पे कुछ भी हो सकता है, बट पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उनका अभी तक कोई रिएक्शन नहीं है। वैसे पर उनके लिए झटका तो होगा, ऐसा नहीं है, उनका भी बहुत बड़ा एक वो उनके लिए होगा, तो आई एम श्योर तू कहते ना टू बी द डेविल्स एडवोकेट, आई एम श्योर निजी तौर पे उन्होंने जरूर मतलब जो सही कदम है वो उठाया होगा, निजी तौर पे शायद परिवार से बात की होगी, दोस्तों से बात की होगी, वो जरूर की होगी, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे उन्होंने इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं दिया। ये भी हो सकता है विक्की भाई के वो एक शॉक धोनी को लगा हो, खास तौर पे कभी कभी उस फ्रेम ऑफ माइंड से बाहर आने में भी टाइम लग जाता है कि मैं अभी बिल्कुल सही कहा बात करूं तो क्या करूं, मीडिया में कैसे आऊं, ठीक है उनके वालिद से बात कर लेना, उनकी फैमिली से बात कर लेना, इट्स अ डिफरेंट, लेकिन मीडिया में आके अपने आप को पोर्ट्रे कैसे करूं, ये भी कहीं डिफिकल्ट महसूस। मीडिया में तो वो आते भी नहीं है, मीडिया में तो आते नहीं है, वो सोशल मीडिया ही है, ट्विटर इंस्टाग्राम जो एक जरिया था, लेकिन जैसे मैंने कहा हो सकता है निजी तौर पर उन्होंने किया, उनकी शख्सियत थोड़ी ऐसी है, अब इसे आप अच्छा कहें बुरा कहें, लेकिन पब्लिक प्लेटफॉर्म पे वो इतना रिएक्ट करते भी नहीं है। विक्की भाई थैंक यू वेरी मच। सुशांत सिंह राजपूत एक बड़ा नाम, और वो जिस अंदाज से गए तकलीफ इस बात की है, बहुत सारे लोग दुनिया में आते हैं, दुनिया से चले जाते हैं, एक वक्त होता है डिस्कस होता है खत्म हो जाता है, लेकिन एक 34 साल का नौजवान जो सक्सेस भी हासिल कर ले और सक्सेस भी जबरदस्त किस्म की हासिल कर ले और फिर वो इस अंदाज से जाए कि वो ये भी नहीं बता सके कि मेरे जाने के रीजन क्या है, तो वो एक तकलीफ दे बात होती है। विक्रांत गुप्ता जी हमारे बेहतरीन दोस्त भाई मेरे साथी मेरे साथ थे इस सेशन में, यहाँ आपसे इजाजत लूंगा, जल्द फिर किसी और सेशन में आपसे मुलाकात होगी, लेकिन आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकॉन दबाइएगा, और अगर आपको हमारी ये डिस्कशन पसंद आई हो, बहुत ही अफसोस वाले टॉपिक पे हमने जरूर बात की, तो फिर लाइक कर सकते हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। नसीम राजपूत को इजाजत, जल्द मिल रहे हैं, चलता है, अल्लाह ने के बाद।